हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 6 जुलाई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSCGLPinnacle.com और BalajiDhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGLPinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। इसका करेक्ट आंसर था टी राजा कुमार। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि 11वां विश्व शहरी मंच हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर था पोलैंड। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। डिटेल्स देख लो तो भारतीय सेना ने जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इसका आयोजन भारतीय सेना के डेजर्ट कोर द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता BSF के महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक VS पठानिया ने संयुक्त रूप से की। इसमें डिसाइड किया गया है कि करंट यानी वर्तमान के सिक्योरिटी थ्रेट्स और चैलेंजेस को आने वाले एक्सरसाइजेस में कवर किया जाएगा। बात करें यहाँ पर राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, CM है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल नार्वेकर किस राज्य विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। डिटेल्स देख लो तो मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह अब तक के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। उन्हें 45 साल की उम्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली था। वह राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष NCP के रामराजे निंबालकर के दामाद हैं। हालांकि नार्वेकर ने 2019 में विधायक बनने से पहले 2016 से राज्यपाल मनोनीत MLC उच्च सदन के रूप में कार्य किया था। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल्स मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन INS 324 नामित डैश को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैस्ट्रेल्स। डिटेल्स देख लो तो भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन INS 324 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक कमीशन समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS 324 को कैस्ट्रेल्स नाम दिया गया है, जो शिकारी पक्षी होते हैं और इनमें अच्छी संवेदिक क्षमताएं यानी गुड सेंसरी कैपेबिलिटीज हैं, जो विमान और वायु स्क्वाड्रन की भूमिका का प्रतीक है। यह इकाई पूर्वी समुद्र तट पर पहली नौसेना स्क्वाड्रन है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 MR हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह विशाल नीले और सफेद समुद्र की लहरों पर खोज करते हुए एक कैस्ट्रेस को दर्शाता है, जो स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोही और खोज और बचाव भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फिया पठान किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी। डिटेल्स देख लो तो अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में पहले एलोर्डा मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता। इनके अलावा कलाईवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक हासिल किए।
अंतिम दिन 2 स्वर्ण 2 रजत और 10 कांस्य के साथ 33 सदस्यीय भारतीय दल ने कुल मिलाकर 14 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सरकारी निकाय ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CBSE। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले CBSE के फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE ने हाल ही में सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित यानी मैनेज करने के लिए परीक्षा संगम नामक एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। परीक्षा संगम पोर्टल अब आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और parikshasangam.cbse.gov.in पर उपलब्ध है। पोर्टल के अनुसार स्कूल छात्र और शिक्षक परीक्षा संदर्भ सामग्री, परीक्षा पूर्व और बाद की गतिविधियों, परीक्षा गतिविधियों और स्कूल डिजीलॉकर आदि का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पोर्टल के हिस्से के रूप में एक एकीकृत संचार और भुगतान प्रणाली भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ किस देश में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। डिटेल्स देख लो। तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग पर भारत आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग के 8वें सत्र का आयोजन किया गया। भारत और आर्मेनिया ने भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ आर्मेनिया में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव संजय वर्मा ने किया। उन्होंने येरेवन राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय में एक महात्मा गांधी सभागार का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटालाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया वीक की थीम है कैटालाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। उन्होंने भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना है। राज्य सरकार ने राइड विद प्राइड सरकारी टैक्सी सेवा में महिला ड्राइवरों के 25 नए पदों को मंजूरी देने की भी घोषणा की। इस स्कीम के अंडर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट 60 करोड़ एनुअली स्पेंड करेगी ताकि स्टेट में वुमेन को टिकट प्राइसेस पर 50% डिस्काउंट दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। डिटेल्स देख लो। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कर्नाटक, गुजरात और मेघालय भारतीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। रैंकिंग अक्टूबर 2019 से जुलाई 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मान्यता देती है, जिसका उद्देश्य उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। रैंकिंग ने राज्यों को उनके आकार के आधार पर दो श्रेणियों, श्रेणी ए और श्रेणी बी के तहत वर्गीकृत किया है। कर्नाटक और गुजरात ए श्रेणी में आते हैं, मेघालय बी श्रेणी में है। ए श्रेणी में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना और बी श्रेणी में जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने शीर्ष प्रदर्शन करने वालों का खिताब हासिल किया। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरंजन दास। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। प्रोफेसर दास एसोसिएशन के
101वें अध्यक्ष होंगे और जी थिरुवसागम का स्थान लेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो गांधी और चंपारण सत्याग्रह, सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास द्वारा संपादित की गई। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की, तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के यंगेस्ट स्पीकर बने हैं। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कैस्ट्रेल्स हाल ही में कमीशन किया गया। अल्फिया पठान बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE ने लॉन्च किया। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया ने आर्मेनिया के साथ MOU साइन किया। डिजिटल इंडिया वीक 2022 के लिए थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया स्टेकेड। नारी को नमन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं कर्नाटका, गुजरात और मेघालय। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट बने हैं सुरंजन दास। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं, इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।